नमस्कार पीके मौज मस्ती चैनल पर पीके श्रीवास्तव आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से अखबार के न्यूज लेकर उपस्थित हो चुका हूं दोस्तों। तो देखिए आज का न्यूज क्या कर रहा है कि सातवें चरण की शिक्षक बहाली शुरू करने को लेकर अभ्यर्थी की बैठक संपन्न। दोस्तों तो बैठक की तैयारी जो है ना दोस्तों संपन्न हो रहा है दोस्तों, और तो कि इसमें जो है ना ट्विटर के माध्यम से भी कैंपेन चलाया गया था, और देखिए धरना प्रदर्शन में भी जो है ना ये लोग बहुत अहम भूमिका के रूप में ले रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या करें। मोतिहारी का न्यूज, पूर्वी चंपारण गरीब दर्शन सातवां चरण अब प्रारंभिक शिक्षक संघ शिक्षक भर्ती को लेकर नरसिंह बाबा मंदिर परिसर में पूर्वी चंपारण में पूर्वी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने जिला अध्यक्ष राजकुमार के नेतृत्व में सभा आयोजित की गई, जिनकी अध्यक्षता ब्रज बिहारी प्रसाद ने की। अभ्यर्थी ने बताया कि बहाली प्रक्रिया के शुरुआत को लेकर आगामी 7 मई से पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर आज सभा आयोजित की गई है। बैठक में जिले के सभी भावी प्रारंभिक सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष राजकुमार ने जिले के सभी अभ्यर्थियों को पटना के धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आह्वान किया है। इस अवसर पर सिद्धार्थ कश्यप, पिंटू आनंद, अनिल कुमार, चंदन कुमार, नीतीश कुमार, इसके बाद है अंजलि कुमार, ऋषिकेश कुमार, क्षितिज कुमार, आदित्य कुमार, प्रेम कुमार, अपुन, अनूप कुमार, शैलेश यादव, बाबलू कुमार, कामेश्वर कुमार ठाकुर सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके हिसाब से ये न्यूज कैसा रहा, और आप लोगों की राय विचार में ये जो धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहा सातवें चरण की बहाली को लेकर, इसमें आप लोग की राय विचार क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन सबको भी यह पता लग जाए कि सातवें चरण के आंदोलन होने वाला है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ओके बाय।